हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें इलस्ट्रेशन 9 तक कंप्लीट किया था। आज हम डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट तो हमको पता है कि 3 अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट किसको करना है कि जो बिजनेस में असेट आ रही है, और क्रेडिट के असेट या गुड्स जा रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो डेबिट इनकम जो एक्सपेंस है और लॉस है तो उसको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन को हमको क्रेडिट करना है। स्टेप्स टू डिटरमाइन डेबिट क्रेडिट अकाउंट, तो डिटरमाइन वॉट एवर वेदर ट्रांजेक्शन्स इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले हम जो स्टेप हम करते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या है, तो हमको वही सोचना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल देखें, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड फॉर गुड्स ऑफ रुपीज 2000। दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट एनी अबोव मैंशनड अकाउंट, दस इट इज़ नॉट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये कोई ट्रांजेक्शन है कोई मैंशनड अकाउंट में नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट एसोसिएटेड विथ ट्रांजेक्शन, फिर हमको क्या सोचना है कि ये कौन से अकाउंट में है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो ये 3 चीज़ें हमको जो है वो देखनी है कि ये अकाउंट पहले कौन सा है, और उसके हिसाब से हमको आगे सम करना है। उसकी डेबिट इफेक्ट होगी कि कोई पर्सन का अकाउंट है, कोई मतलब कोई असेट का अकाउंट है, कोई गुड्स का अकाउंट्स है। तो जो ये जो चीज़ें हैं सारी सारी कि एक्सपेंस है, इनकम है, ये जो चीज़ें हैं वो हमको देखनी है, और उसके बाद ही आगे हमको सम करना है। सो स्टेप्स टू डेबिट क्रेडिट अकाउंट के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइंस वेदर ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है ये हमको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्शन, और फिर 2 डिफरेंट अकाउंट जो ट्रांजेक्शन से एसोसिएट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो उसमें ध्यान रखनी है। अब हम एग्जांपल 10 देखें, तो टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ रणछोड़। रणछोड़ के अकाउंट में ये कैसे डेबिट और क्रेडिट होगा, तो हमको आंसर लिखते टाइम एक टेबल बनाना है जिसमें सीरियल नंबर का एक कॉलम होना चाहिए, ट्रांजेक्शन का एक कॉलम, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन की डेबिट इफेक्ट क्या होगी और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगी वो हमको लिखनी है। तो सबसे पहला है रणछोड़ कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। रणछोड़ ने बिजनेस कमेंस किया है कितनी कैपिटल से, तो 50,000 की कैपिटल ने उसने जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ओनर है उसने उसकी कैपिटल बिजनेस को दी है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट होगा, बिकॉज डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, ये हमारा रूल है। तो उसके बाद है 20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौड़ा। बैंक ऑफ बड़ौड़ा में 20,000 डिपॉजिट हुए हैं, तो हमारा जो बैंक है उसमें बैंक ने कैश रिसीव की है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कैश बिजनेस में से गई है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड है गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज्ड ऑन कैश। 2,000 की जो गुड्स है वो कैश में परचेज की है, तो परचेज हुई है, गुड्स बिजनेस में आए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और कैश गोज आउट, कैश बिजनेस में से गए हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। राधा हैड रिसीव्ड गुड्स, राधा ने
गुड्स सोल्ड रुपीज 6,000 टू राधा, राधा को हमने 6,000 के गुड्स सोल्ड किया, सेल किए हैं। तो राधा जो है वो गुड, राधा है वो रिसीवर है, उसको गुड्स मिले हैं और सेल्स हुई है, गुड्स बाहर गए हैं, तो राधा का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 परचेज ऑन कैश, 1,000 रुपीज़ के गुड्स कैश में परचेज हुए, तो परचेज हुई है, गुड्स कम इन, गुड्स बिजनेस में आए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और परचेज कैश में हुई है, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश बिजनेस में से गए हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद 6 है गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 परचेज फ्रॉम मीरा, मीरा से परचेज किए हैं, तो गुड्स बिजनेस में आए हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं ही हुआ है, मीरा गिवर हुई है, तो मीरा का अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा। उसके बाद है परचेस फर्नीचर फॉर रुपीज़ 1,000, 1,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेस किया है, तो असेट है वो बिजनेस में आई है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और परचेस कैश में हुई है, तो कैश बिजनेस में से गए हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रुपीज़ 300, सन्ड्री एक्सपेंस हुए हैं रुपीज़ 300 के, तो कैश बिजनेस में से गए हैं, सन्ड्री एक्सपेंस हुए हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंस का अकाउंट है वो डेबिट होगा, और कैश बिजनेस में से बाहर गए हैं, एक्सपेंस किए हैं, तो कैश हमारे जाते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद डिविडेंड रिसीव 200, डिविडेंड 200 का रिसीव हुआ है, तो कैश कम्स इन इन बिजनेस, कैश डिविडेंड मिला है, कैश बिजनेस में आई है, एंड डिविडेंड इज इनकम, सो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है वेजेस पेड रुपीज़ 200, 200 के वेजेस पे किए हैं, तो वेजेस पेड वेज है वो एक्सपेंस है, तो वेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश गोल्ड आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से कैश गए हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है मशीन ऑफ रुपीज़ 15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रोस, रमेश ब्रो के पास से जो मशीन है वो 15,000 की मशीन हमने परचेज की है, तो मशीन परचेज है, असेट असेट जो है वो बिजनेस में आ रही है, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा और ये ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं हुआ है, सो रमेश ब्रोस का अकाउंट हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, सो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो दो तरह से होती है, बेनिफिट रिसीवर जो है यहाँ पे आपको जब टेबल बनाते हो तब इसमें तीन कॉलम बनानी है, बेनिफिट रिसीवर तो डेबिट इफ़ेक्ट होगी, फिर गुड असेट कम्स इन उसकी एक कॉलम, और एक्सपेंस एंड लॉस, क्योंकि हमारे पास तीन अकाउंट्स है, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, तो ये हमारा अकाउंट है उसकी हमको डेबिट इफेक्ट का एक कॉलम बनाना है, और उसके बाद हमको उसकी क्रेडिट इफेक्ट का भी एक कॉलम बनाना है, और उसी तरह से आपको ये सम ऐसे इस तरह के जो सम्स होते हैं वो करने हैं। इस तरह के सम्स में सबसे पहले हमको सोचना है कि ट्रांजेक्शन है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, और उसके बाद हमको जो आगे की प्रोसेस है वो करनी होती है। सो ये जो सम है बहुत इजी सम है, आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट सम पे आगे जाएंगे, इलस्ट्रेशन 11 करेंगे। इलस्ट्रेशन 11 में क्या है, फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन कि कमेंस बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40,000, उसी तरह से हमको टेबल बनाना है, और यहाँ पे पूछा है कि अमृत के अकाउंट में क्या डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो उसी तरह से टेबल बनाना है, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट, और उसके तीन तीन कॉलम्स बनानी है। आप जब कॉलम बनाते हो तो आपके लिए सम बहुत इजी बन जाता है। अब हम आगे बात करें तो कमेंस बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 40,000, 40,000 का बिजनेस, 40,000 की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है, तो जो गुड्स हैं वो कैश बिजनेस में आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और ओनर ने अपनी कैपिटल दी है बिजनेस को, तो ओनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है लोन ऑब्टेंड ऑफ रुपीज़ 60,000 फ्रॉम रमनिक,
लोन ली है तो कैश बिजनेस में आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, रमनिक इज गिवर, गिवर है रमनिक तो रमनिक का अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक हैज रिसीव्ड कैश रुपीज 20,000 डिपॉजिटेड विथ यूनियन बैंक एंड ओपनड अकाउंट, यूनियन बैंक में से बैंक में से कैश रिसीव हुए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा। उसके बाद है ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 4,000, ब्रोकरेज रिसीव हुई है 4,000 की, कुछ रिसीव होता है तो हमारी जो इनकम बनती है वो तो कैश बिजनेस में आती है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कमीशन जो है वो क्रेडिट होता है। उसके बाद है गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 परचेज एंड क्रेडिट ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई, 10,000 के गुड्स हैं वो जो है वो इसमें क्लियरली बोला है कि क्रेडिट परचेस की है तो परचेज हुई है, गुड्स बिजनेस में आए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कैश में हमने परचेस नहीं किया है इसलिए बच्चू भाई जो है वो गिवर होंगे तो उसका अकाउंट हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज़ 20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी, लक्ष्मी है वो रिसीवर बनी तो लक्ष्मी अकाउंट डेबिट एंड सेल्स हुई है, गुड्स गोज आउट, गुड्स जो है बिजनेस में से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद सेवेंथ में शॉप रेंट पेड रुपीज़ 5,000 का शॉप रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो, जो है रेंट अकाउंट है वो डेबिट होगा क्योंकि रेंट हमारी एक्सपेंस है और कैश बिजनेस में से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद है कैरेज ऑफ सेवेंथ है एथ सॉरी रुपीज़ 200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज, जो कैरेज वो हमारी एक्सपेंस है, कैरेज अकाउंट डेबिट होता है और कैश बिजनेस में से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है रुपीज़ 500 बिकम्स रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम कुंदन, कुंदन ने अभी तक जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, सिर्फ वो बेनिफिट रिसीवर है तो कुंदन का अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। सैलरी पेड टू दिनेश रुपीज़ 1,200 की सैलरी दिनेश को हमने पे की है तो सैलरी एक्सपेंस है, दिनेश है वो दिनेश ने सर्विस दी है तो सैलरी अकाउंट वो है डेबिट होगा और कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से कैश जा रही है तो जो है वो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है कि गुड्स ऑफ रुपीज़ 15,000 परचेज ऑन कैश, कैश में परचेस किए थे गुड्स 15,000 के तो फर्नीचर परचेस किया है तो असेट बिजनेस में आई है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और जो राज फर्नीचर मार्ट है वो गिवर है तो उसका राज फर्नीचर मार्ट के अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसके बाद है जो गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 सोल्ड ऑन कैश, 13th है वो हमारा तो कैश बिजनेस में आई है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल हुई है तो गुड्स है वो बिजनेस में से जाएंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। 14th है व्हीकल परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000 का व्हीकल परचेज किया है, असेट बिजनेस में आई है तो व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा इन कैश गुड्स आउट फ्रॉम बिजनेस तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद है फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2,000 परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट, 2,000 का फर्नीचर है वो परचेस किया राज फर्नीचर मार्ट से तो फर्नीचर परचेस हुआ है, असेट बिजनेस में आई है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा एंड राज फर्नीचर मार्ट इज़ गिवर तो राज फर्नीचर का अकाउंट है वो क्रेडिट करना है। उसके बाद है लक्ष्मी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज़ 400, लक्ष्मी ने 400 के गुड्स है वो रिटर्न कर दिया है तो सेल्स रिटर्न में गुड्स बिजनेस में आए हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, लक्ष्मी पर्सन है तो लक्ष्मी इज़ अ गिवर, लक्ष्मी गिवर है तो लक्ष्मी का अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद 17th है गुड्स ऑफ रुपीज़ 500 रिटर्न टू बच्चू भाई, जो 500 के जो गुड्स थे वो बच्चू भाई को रिटर्न किए तो बच्चू भाई पर्सन है रिसीवर है तो बच्चू भाई का अकाउंट डेबिट होगा एंड परचेज रिटर्न है तो गुड्स बिजनेस में से गए हैं
तो परचेस रिटर्न वो है वो डेबिट क्रेडिट होता है। फिर 18 है विड्रॉन रुपीज़ 2000 फ्रॉम यूनियन बैंक, यूनियन बैंक से विड्रॉ किए हैं रुपीज़ 2000 तो कैश बिजनेस में आई है, बैंक पर्सन है बैंक गिवर है तो यूनियन बैंक का अकाउंट है वो क्रेडिट करना है। उसके बाद रुपीज़ 300 पेड ऑन पोस्टेज, तो पोस्टेज एक्सपेंस है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा। एंड कैश ग्रो गोज़ आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है इसमें। लास्ट है रुपीज़ 200 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए 200 रुपीज़ पे किए हैं तो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारी एक्सपेंस है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। और कैश बिजनेस में से जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। सो आज हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है और उसमें जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल थे ड्यूअल एंट्री सिस्टम थे वो हमने कंप्लीट की है। उसके जो सम्स है वो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, आपको ये पीडीएफ में जो सम्स है वो करने हैं और होम असाइनमेंट जो है वो आपको टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है। जो उसकी पीडीएफ बना के आप जो भेजते हो ऐसे सभी को भेजना है और आपको ये पूरा चैप्टर जो है पीडीएफ वाला वो अपनी नोटबुक में लिखना है। कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। थैंक यू।